दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाया था, पहला विमान बनाया था, और हमें इस इंसान के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। शायद हम अपनी संस्कृति को लेकर इतने सीरियस नहीं है, या फिर हमें, जैसे प्रभु जी ने बोला कि गर्व एक और चीज है और आई थिंक नॉलेज होना, उस बात का पता होना वो अलग चीज है। शायद हमें शिवकर बापूजी तड़पदे के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और मुझे भी नहीं पता था जब मुझे इस स्क्रिप्ट को मुझे दी गई थी पढ़ने के लिए। मैं विभूपुरी से मिला था, जो हमारे निर्देशक हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाया था, विमान बनाया था। मैंने कहा राइट ब्रदर्स 1903 में हुआ था। कहते नहीं, वो राइट ब्रदर्स नहीं थे, 1895 में एक हिंदुस्तानी ने, एक भारतीय ने पहले विमान का निर्माण किया था, उसका नाम मारुत सखा था। मैं फिर भी नहीं माना। मीटिंग होकर बाहर गया तो गूगल किया शिवकर तड़पदे, एंड दे हैड डिस्कवर्ड दैट ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु मेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरक्राफ्ट। कुछ लोग बोलते हैं कि मे बी इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, शायद वो पेटेंट नहीं कर पाया। वी वांट अ ब्रिटिश राज दैट टाइम, इंडिया वाज अ कॉलोनी इन 1895। 1857 के रिवोल्ट के बाद आई थिंक वी वर टोटली सबसर्वियंट टू ब्रिटिशर्स, कि हम अब ब्रिटिश राज के अंदर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उस सदी में अगर किसी व्यक्ति का ये सपना हो कि मैं ऐसा यंत्र बनाऊंगा जिस पर बैठकर इंसान इधर से उधर उड़ेगा, तो बहुत ही हास्यास्पद लगता है ये, वो हंसी आएगी उस इंसान पर। लेकिन शिवकर बापूजी तड़पदे ने करके दिखाया। 1895 में चौपाटी में 18 मिनट तक ये विमान उड़ा था। लोकमान्य तिलक वहां पर मौजूद थे, 500 से 1000 व्यक्ति वहां पर मौजूद थे। I'm talking about that era when there was no social networking, there was no social media. यहाँ पर अगर कुछ पत्थर भी गिरता है तो आप ट्विटर पर ट्वीट कर देते हैं, फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं, तो लाखों लोगों के पास आप पहुंच जाते हैं। तब रिपोर्टर्स कुछ नहीं होती थी, एंड प्रेस वॉज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स। इस वजह से शायद शिवकर बापूजी तड़पदे के बारे में किसी को पता ही नहीं है। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ my director and my script writer Saurabh Bhave, they met the distant relatives of Shivkar Talpade, they stay in Dukkarwadi in South Bombay, and they were waiting for this validation for the past 130 years. 130 सालों से वो शायद acknowledgement की wait कर रहे थे कि हमें पहचानेगा कोई। वो छोटी सी community है वहां पर पठारे प्रभु community जो है, और 130 साल से वो वेट कर रहे थे। उनको, उन मुट्ठी भर लोगों को पता था कि यार हमारे फैमिली में से किसी ने विमान उड़ाया था दुनिया में पहला। और हम उस देश की बात कर रहे हैं जहां पर आयरोनिकली विडंबना ये है कि 99% भारतीय एयर टिकट अफोर्ड नहीं कर पाते, और ऐसे देश में दुनिया का पहला विमान बनाया गया था। तो ये फिल्म जो है 30 जनवरी को रिलीज हो रही है, और आप सब लोगों का शुक्रिया, इस्कॉन का शुक्रिया, प्रभु जी का शुक्रिया कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, मौका दिया है आपसे वार्तालाप करने की और ये फिल्म के बारे में बताने की। फिल्म तो एक जरिया है शिवकर तड़पदे के बारे में बताने के लिए। आई थिंक हमारा वो मकसद कामयाब हो जाता है अगर हम इसको एक अनसंग हीरो, एक हीरो बना सकते हैं तो। इट्स एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन अनसंग हीरो, हवाई ज्यादा। दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच। इसके अलावा ये कहना चाहूंगा कि आप भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूं अपने पास। जब भी जीवन में कुछ भी, कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूं, तो आई थिंक ये कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। यू कैन जस्ट फील दैट वर्ल्ड इज अंडर योर कंट्रोल। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। किसी भी, आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। I think it just makes you more patient as a person. और हमारी इंडस्ट्री तो खेल ही सारा पेशेंस का है। Anyway, एक हमारे फिल्म के अंदर साइंटिफिक रेफरेंसेस के अलावा वैदिक रेफरेंसेस हैं, माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस हैं। हमने हनुमान चालीसा की बात की है, और एक 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 श्लोक बोला है कि कार्यम कुरुवेन वन्य द्रक्षायम करोति भिन्न। अगर हम किसी भी चीज को उल्टा करके देखें, कुछ अलग बन सकता है उससे। क्यों ना हम अपने इतिहास को उल्टा करके देखें जो शायद अंग्रेजों की दृष्टिकोण से लिखा गया है। क्यों ना हम उसको उल्टा करके देखें कि शायद वो हमें अपना दृष्टिकोण उसमें नजर आए। शायद हमें उस विमान के पीछे पुष्पक विमान नजर आए कि जो
इतने ग्रंथों में लिखा, जिनका वर्णन किया गया है, उसके बारे में लिखा गया है। तो ये है हवाई ज्यादा और ये है शिवकर बाबूजी तलपदे, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा, जो शायद वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि मुझे भी एक्नॉलेजमेंट चाहिए, आई नीड दैट वैलिडेशन। वी लिव इन अ कंट्री वेयर वी डू नॉट रिकॉग्नाइज आवर स्पोर्ट्स पर्सन, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज आवर हीरोज, एंड इट्स हाई टाइम वी रिकॉग्नाइज शिवकर बाबूजी तलपदे। धन्यवाद, थैंक यू।